दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही जल्द कुछ बड़े मुकाबलों की श्रृंखला के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली है, जहां वो अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतर के खेलती हुई नजर आएगी। और इसके लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने वाले सभी खिलाड़ियों ने खतरनाक रूप से प्रैक्टिस भी चालू कर दी है। मुंबई में हो रहे प्रैक्टिस सेशन में 3 भारतीय खिलाड़ियों का ऐसा तूफान देखने को मिला, जिसे कर ये कहना मुश्किल नहीं है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में होने वाले टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में जीत हासिल नहीं कर पाएगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कौन है वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन में ही तूफान उठा दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या विराट कोहली अपनी कप्तानी में टेस्ट सीरीज जिता पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी मुंबई में लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, क्योंकि भारत के नजरिए से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज बेहद ही अहम है। और उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय टीम ने आज तक अफ्रीकी टीम को उनके घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हराई है, जिसके चलते भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को पहली बार सीरीज जिताकर विजेता बना सकें, जिसके लिए वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और उनकी इस कोशिश को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए भारतीय टीम के 3 सबसे शानदार खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने खतरनाक रूप से प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इस प्रैक्टिस सेशन में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान उठा दिया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को आंकने के लिए प्रोफेशनल बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद सबसे पहले बल्लेबाजी के प्रैक्टिस करते हुए नजर आए रोहित शर्मा, जिन्होंने कुल 60 गेंदों का सामना किया और शानदार 110 रन की पारी खेली। और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 छक्के समेत 7 चौके भी जड़े, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत ने शुरुआती 2 गेंदों पर डिफेंस करने के बाद अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ दिए, जिसे देखकर कोच राहुल द्रविड़ काफी हैरान नजर आए। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपनी धांसू बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 35 गेंदों में ही 123 रन ठोक डाले और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 8 चौके लगाए। और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी कुछ इसी तरीके से अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाया। उन्होंने अपनी इस पारी में बेहद ही शानदार तरीके से 50 गेंदों का सामना किया और इन 50 गेंदों में उन्होंने 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 120 रन की शानदार पारी खेली, जिसे देखकर यह साफ हो गया कि ये तीनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह का प्रदर्शन इन तीनों बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस सेशन में करके दिखाया है, उसे देखकर यह साफ हो गया है कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आगे टिकने में नाकामयाब रहेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि क्या विराट कोहली अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जिताने में कामयाब हो सकेंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।